यहाँ उपस्थित आप सभी गणमान्य व्यक्तिगण नौजवान साथियों, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ पे क्षेत्र के पंचायत के मुखिया भाई अंजना जी, धमला पंचायत के मुखिया युवा साथी और यहाँ के विश्वकर्मा समाज के साथियों ने जिस तरह से स्वागत किया, अभिनंदन किया इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे, हम तो नेता की हत्या करें इधर आ जाओ भाई, पढ़ाते वाला जाओ माता बहने भी कहीं इधर। हम एक नेता की हत्या करें, जब हम विधायक थे उस वक्त भी आपके बीच में हम रहते थे, विधायक नहीं थे उस वक्त भी आपके बीच में रहते थे, और उस वक्त भी यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की माताओं बहनों ने गणेश चतुर्थी के अवसर पे ही हमको आशीर्वाद दिया था। और कहते हैं कि गणेश जी भगवान जहाँ पे विराजमान हो जाए वो यज्ञ सफल होता है। तो आप लोगों ने आज के 4-5 साल पहले ही मुझे आशीर्वाद दे दिया था कि सगाई का प्रतिनिधित्व आपको करना है। और सबसे बड़ी बात और खास बात, आज हम लोग के बीच में जाने माने कलाकार भाई विक्की जी, विक्की छाबड़ा जी हमारे हम नाम नहीं है, उस वक्त हमको लोग विक्की जी और विक्की छाबड़ा, उस वक्त मुझे याद था कलाकार को कहते हैं कलाकार की जुबान पर सरस्वती होती है। पायल जी हैं लेकिन हुआ तो हमने विक्की भाई ने दिया, विक्की भाई ने उस वक्त कहा था कि आप जैसा युवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें तो निश्चित ही अच्छे से आगे बढ़ेगा और आपके प्रतिनिधित्व में निश्चित तौर पर चटाई विकसित हो। और इन्होंने मुझे दुआ दिया था, शुभकामना दी थी कि अगले विधायक आप होंगे, हम चाहेंगे कि ये दुआ और शुभकामना आप हमें इसी तरह से देते रहे क्योंकि आपके जीवन में सरस्वती विराजमान है। और स्वयं इससे पता चलता है कि आपके दिए हुए दुआ कबूल हो गई, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिल गया, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद हमें मिला है। और हम चाहते हैं कि जो प्यार आप लोगों का हमको मिलते आया है माताओं बहनों नौजवान साथियों बड़े बुजुर्गों का, वो प्यार आशीर्वाद मुझे उसी तरह मिलता रहे। और मैं जिस तरह से आपकी सेवा करता आया हूँ मैं आपकी सेवा करता रहूँ, बस यही उम्मीद और यही कामना रखता हूँ। भगवान गणेश हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हम सब सब सबके हम सबको विकसित करें, आगे बढ़ाएं, इन्हीं कामना के साथ यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम सलाम जय हिंद जय भारत। और हम चाहते हैं हमारे जो कलाकार भाई आए हैं ये अपने कला से अपने वाणी से हम लोगों को मंत्र मुग्ध कर जी जी मैं बताऊं माननीय मंत्री से आग्रह होगा एक गाना मैं उनके बड़े भैया माननीय ईश्वर के